हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुकिंग विद मीनू चैनल में। आज हम बनाएंगे ग्रेवी वाली अरबी, जिसके लिए मैंने आधा किलो अरबी को छीलकर अच्छी तरह से 3-4 बार पानी में वॉश करके और इसे एक कपड़े पर फैला लिया है ताकि इसका पानी बिल्कुल अलग हो जाए। और सूखने के बाद इसको हम डीप फ्राई करेंगे। देखिए, अरबी को हम डीप फ्राई कर रहे हैं और अरबी को इसी तरह पूरी अरबी को तल लेंगे और उसके बाद ग्रेवी में पकाएंगे। देखिए, हमारी अरबी सारी डीप फ्राई हो चुकी है और ग्रेवी के लिए मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, 4 टमाटर की प्यूरी ली है और अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच अपना जीरा डालेंगे और आधी चम्मच अजवाइन डालेंगे, अदरक लहसुन फ्राई करेंगे। अब हम इसमें अपने प्याज डालेंगे, इसे मैंने ज्यादा ग्रेट नहीं करा, आने लगी है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। देखिए, टमाटर हमारे भून चुके हैं, अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे, जिसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच छोटे वाला हल्दी डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच अमचूर डाला है, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी डाली है, 1/2 चम्मच। अब हम इसे मिलाएंगे, इसमें हम पानी ऐड करेंगे और 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारी पक चुकी है, अब हम इसमें अपनी ये फ्राई करी हुई अरबी डालेंगे और 10 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे और देखिए, अरबी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें अपने गार्निश के लिए धनिया डालेंगे और मिलाएंगे।